मैक्सिमम कितनी आरओआई और गेन कर सकते हैं हम बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करके। जब आप ये प्रॉपर्टी बेचेंगे कितने टाइम में बेचेंगे, एक साल में, छः महीने में, पाँच महीने में, या एक साल के बाद, दो, तीन, चार, पाँच साल, तो उसके हिसाब से आपके कैपिटल देखा जाएगा कि आप शॉर्ट, ठीक है, या लॉन्ग, आप कौन से कैपिटल गेन के अंदर आते हैं उसके ऊपर फिर आपके ऊपर यहाँ टैक्स बन जाता है कि आप एक टैक्स पे करेंगे। कुछ टाइम के बाद डिमांड आ जाती है, ठीक है, फिर मार्केट का नहीं पता भाई क्या होगा, चलेगी नहीं चलेगी, एग्जिट हो पाएंगे, क्योंकि ये गेम कुछ टाइम पहले स्टार्ट होके बंद हो गया। लोग बहुत सारे आज के समय में रियल एस्टेट में फंसे हुए हैं और आज भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास बड़ा प्रपोजल है। आज है ना बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ और ये गजब की ट्रिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और आप एक आइडिया लगाओ कि आप रियल एस्टेट से कितनी आरओआई गेन कर सकते हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू अचीव हायर आरओआई इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। कितनी आपने कितना सोचा होगा, आपने रेजिडेंशियल के अंदर आप मैक्सिमम कितनी आरओआई ले सकते हैं, 5% से लेके 8% तक हायर आप ले सकते हैं। कमर्शियल के अंदर, क्योंकि ये एक हायर रिस्क सेक्टर होता है, इसके अंदर आपके 7% से लेके 14% या 15% तक आजकल मिल जाता है। ज़्यादातर कोई न्यू लॉन्च होता है उसके ऊपर कोई डेवलपर 16%, 17%, 18% भी दे देता है। बट इन केस इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी को बाई करना पड़ता है, ठीक है, आप इसके अंदर प्रॉपर्टी बाई करते हैं। कुछ ऐसे ही फॉर्मूले आप लोगों के आज मैं बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम कितनी आरओआई और गेन कर सकते हैं हम बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करके। तो इस टॉपिक को बड़ा सीरियस तरीके से आप समझना और आपके पैसे को पैसा बना के देने का काम मेरा है। ये प्रॉपर प्रोसेस से आप चीज़ों को बताऊंगा, बट ये सोच लेना ये वीडियो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, फिर ये प्राइवेट हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर नहीं ज़्यादा अमल करेंगे तो आप रियल एस्टेट में फंस के फंसे ही रह जाओगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना एक बार, मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी है वो क्लियर करता हूँ कि कैसे कैसे रियल एस्टेट के अंदर आरओआई होता है। एक प्रोसेस होता है, आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर ईवाई देते हैं, राइट, और कुछ टाइम के बाद मान लीजिए प्रोजेक्ट का 18,000 रुपये का रेट है, वो लॉन्च होना है। अभी आप ईवाई के जो थ्रू आप प्रॉपर्टी मान लीजिए 16,000 रुपये आप ये रेट आप लोगों को पड़ता है, तो ईवाई के और इसके बीच में आपको 2,000 रुपये का गैप है वो दिख जाता है। तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब ये कार्रवाई आ गई कुछ अमाउंट दे के ईवाई का। इसके ऊपर आप जब ये गैप करते हैं और ये जो प्रोसेस आता है, ये आता है फिर बाइंग का, यानी आप जो प्रॉपर्टी है वो बाई करते हैं, जिस पे आप मान लीजिए अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, साथ में बीबीए बनता है यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है, जिसके अंदर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। वहीं से आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाता है किस चीज़ का, कैपिटल का, यानी कैपिटल गेन के उसके अंदर आप शुरू हो जाते हैं। जब आप ये प्रॉपर्टी बेचेंगे कितने टाइम में बेचेंगे, एक साल में, छः महीने में, पाँच महीने में, या एक साल के बाद, दो, तीन, चार, पाँच साल, तो उसके हिसाब से आपके कैपिटल देखा जाएगा कि आप शॉर्ट, ठीक है, या लॉन्ग, आप कौन से कैपिटल गेन के अंदर आते हैं उसके ऊपर फिर आपके ऊपर यहाँ टैक्स बन जाता है कि आप एक टैक्स पे करेंगे, ठीक है। अदरवाइज वो देखा जाएगा रूल रेगुलेशन क्या है उस समय का कैपिटल गेन का, कि आप या दोबारा प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं क्या। लेकिन इस बीच में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसका बेनिफिट मिला था 2,000 का, यानी 16,000 रुपये में आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, 16,000 रुपये में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी उस टाइम, ठीक है, आप क्या हुए, रजिस्टर्ड हो गए, है ना, उसके अंदर, यानी कोविड के अंदर आप रजिस्टर हो गए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। आपने टैक्स दिया क्या, 5% जीएसटी का टैक्स दिया, आईएफएमएस कोस्ट आपने दी, अदर चार्जेस भी आपने दिए होंगे। मान लीजिए आपने 16,000 रुपये खरीदा और कुछ समय के बाद इसको आपने 18,000 या 20,000 आपने ये प्राइस है वो बेच दिया, और उस समय आपने एक बड़ा अमाउंट आपने पे किया होगा, क्योंकि आजकल जो प्रोडक्ट आ रहे हैं तकरीबन 4-5 करोड़ से नीचे तो आ ही नहीं रहे,
3 करोड़ मान लो, जो भी एक्स वाई जेड उस बीच आपने मान लेते हैं, क्योंकि आजकल जो पेमेंट प्लान है मैक्सिमम 30% या 25% आ जाते हैं, तो 1 करोड़ प्लस की तो आपकी पेमेंट चली जाती है, 1 करोड़ के ऊपर 5% का GST और लगा लो, सीधा सीधा आपका 1.5 तो यही हो गया, क्योंकि आप 5% का GST भी दे रहे हो, 5 लाख रुपये आपने यहाँ भी दे दिए, ठीक है। उसके बाद आप जब इस मान लेते हैं कि आपने 25% ही पेमेंट दी है और इसको 1 साल के बाद जब बेचते हैं, क्योंकि अगले फिर कुछ टाइम के बाद डिमांड आ जाती है, ठीक है, फिर मार्केट का नहीं पता भाई क्या होगा, चलेगी नहीं चलेगी, एग्जिट हो पाएंगे, क्योंकि ये गेम कुछ टाइम पहले स्टार्ट होके बंद हो गया, लोग बहुत सारे आज के समय में रियल एस्टेट में फंसे हुए हैं और आज भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास बड़ा प्रपोजल है, लेकिन प्रपोजल क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन जब आप 1 साल के बाद इस प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं ना, तो जब मान लेते आपने ये 16,000 रुपये में खरीदा, 18,000 या 2,000 रुपये का आपने प्रॉफिट ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 1 करोड़ लगा के आपने 1.40 में बेच दिया ये, ठीक है। 1.40 में बेचने के बाद पहली बात तो आपका जो टाइमिंग है वो देखा जाएगा कैपिटल गेन का, तो भाई आप कैपिटल गेन के टैक्स में है, टैक्स निकालो भाई इसका। उसके बाद जो GST लगाई थी आपने, यानी आपने ये बेचा 1.40, ठीक है, इसमें से 5 लाख रुपये माइनस कर दो तो आपके पास 35 लाख रुपये की जो आई है प्रॉफिट वो होगा, तो आपके पास 35 लाख रुपये का प्रॉफिट निकला, ठीक है, कितना, 1.05 करोड़ लगा के और 1 से 2 साल बाद, ठीक है, ये 1 साल प्लस ही आपका ये गेम है वो चलने वाला है, क्योंकि 35 लाख रुपये का प्रॉफिट है, फिर आपने कैपिटल का जो टैक्स है वो आपका चला जाएगा, यानी कैपिटल कितना था उसके अकॉर्डिंग आपने वो इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं कहता हूँ जो भी टैक्स होगा, तो मोटी मोटी जो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 30 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 30 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो ये भी हाई रिस्क के ऊपर, और जब इसको आप बेचने जाओगे तो 1% एजेंट का आप अलग से कमीशन है वो निकाल दीजिए, ठीक है, तो 1% आपने यहाँ भी पे करना है, और आपने साथ में पे किया है गवर्नमेंट चार्ज, यानी जो डॉक्यूमेंट वगैरह का जो खर्चा आता है आपका वो भी आप पे करेंगे, ठीक है, तो ये सारे खर्चे आपके यहाँ पे आते हैं। तो मैं कहता हूँ ROI बिल्कुल कम निकलती है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर अभी पॉइंट को समझना, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको एक ROI बताता हूँ, कि मैं बोलूँ कि मैं आपको ROI दूँगा बहुत बेटर, और वो रिटर्न में, अगर मैं आपको रिटर्न में करके दे दूँ तो क्या आप बिलीव करेंगे, यानी मैं आपको ROI किस प्रोजेक्ट पे कितनी ROI मिलेगी करंट 1 साल के अंदर, ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ नहीं बताऊँगा ये चीज़ें, क्योंकि आपका जो पैसा बनाना है, अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग है, लोन का पैसा नहीं है, सेल्फ फंडिंग है, तो आपकी बाज़ार के अंदर जो बाज़ार है, बाज़ार के अंदर किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कितनी ROI मिल सकती है और वो कैसे मिलेगी, उसका फॉर्मूला मेरे पास है, और आप बिल्कुल सेफ होंगे 1 साल के अंदर, पूरा सेफ होगा, टैक्स लाइबिलिटी में भी आप नहीं आएंगे, उसका फॉर्मूला प्रॉपर है, आप हाई गेन कितना, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ROI तकरीबन 30% प्लस, आपने सुना है कभी रेजिडेंशियल के अंदर आपको इतनी ROI मिल सकती है क्या, 30+ तक की ROI आपको 1 साल में कर। तो गुड़गांव में किसी भी एजेंट के पास या किसी भी ऐसे चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये मैं बहुत तो जेन्युइनिटी से आप लोगों को कह रहा हूँ, आप चाहे कहीं भी हैं, किसी भी शहर में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन मुझको आप कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ें, बट मिलने से ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि फ़ोन पे कुछ ज़्यादा ऐसे डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो तुरंत कॉल कीजिए, मिलने का टाइम लीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी क्योंकि ये प्राइवेट चली जाएगी, तो दोस्तों जल्दी से कॉल कीजिए और ऐसे से पैसा बनाने की ट्रिक को समझिए। तो मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, थैंक यू दोस्तों।